हेलो, दिस इज़ भरत एंड वेलकम अगेन टू भरत के एम ऑनलाइन पाठशाला। ये वीडियो हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट के रिलेटेड है। इस वीडियो में हम यूनिट हाइड्रोग्राफ के बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे, जिसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। ऐसे बोलते हैं कि यूनिट हाइड्रोग्राफ के रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, यूनिट हाइड्रोग्राफ के अजम्पशन के रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर आपको कुछ कुछ स्टेटमेंट दे देगा। इसके जो अजम्पशन है वो चार तरीके के अजम्पशन है। इसके अलावा आपको कुछ भी अजम्पशन दे वो करेक्ट नहीं होगा। चार ही अजम्पशन होते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ के। ओके, बाकी हम ये समझ लेंगे कि उस अजम्पशन में दो चीज़ें होती है, एक टाइम इनवेरिएंस, एक लीनियर रेस्पॉन्स। तो वो दोनों चीज़ें क्या होती है ये समझ लेंगे हम। इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। अगर आपको इस वीडियो में जो बातें बताऊंगा वो अच्छे से समझ आ गई, तो आप फिर जो हाइड्रोलॉजी में जो हाइड्रोग्राफ चैप्टर होता है वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। एक एक करके हम सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है। उससे पहले आप ये समझो कि हाइड्रोग्राफ क्या होता है। देखो, ये मान लो कोई कैचमेंट है, इस पर कोई रेनफॉल हो रही है। ओके, अब ये रेनफॉल होगी, वो पानी कुछ तो ज़मीन में चले जाएगा और बाकी पानी फ्लो होकर क्या करेगा, कहीं रिवर में जाकर के इकट्ठा होगा, मतलब रिवर में जाकर के गिरेगा। ओके, तो ये जो आउटलेट है वहाँ पर टाइम के साथ कितना डेप्थ, कितना वाटर आ रहा है, कितना पानी आ रहा है, उसी का हम क्या करते हैं, हाइड्रोग्राफ बनाते हैं। ओके, हाइड्रोग्राफ बनाते हैं, DRH, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बनाते हैं। तो इसमें जो हाइड्रोग्राफ बनता है ना, वो कैसे बनता है, किस किस के बीच में रहता है, एक तो रहता है टाइम, इधर तो होता है टाइम। ओके, टाइम किस में रहता है, आवर में। और इस साइड क्या होता है, इस साइड होता है आपका जो भी सेंटीमीटर पर आवर में, मतलब डेप्थ हो गई एक तरीके से कि कितनी डेप्थ आ रही है एक घंटे में। इसमें जो भी ग्राफ बनता है उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोग्राफ, या फिर बोलते हैं DRH, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। अब बात आती है कि फिर ये यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है। ओके, तो ऐसी ही चीज यूनिट हाइड्रोग्राफ है। लेकिन यूनिट हाइड्रोग्राफ थोड़ा सा अलग है। वो किस तरीके से है, ये जो कैचमेंट हमने बनाया ना, इस कैचमेंट में वन सेंटीमीटर डेप्थ की रेनफॉल यूनिफॉर्म तरीके से अगर हम कंप्लीट पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और फिर इसका अगर हम DRH बनाएंगे, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बनाएंगे, उसी को हम बोलते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ। क्यों यूनिट हाइड्रोग्राफ इसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो रेनफॉल हो रही है वो 1 सेंटीमीटर की हो रही है, यूनिट डेप्थ की हो रही है, इसलिए इसको यूनिट हाइड्रोग्राफ कहते हैं। लैंग्वेज की फॉर्म में अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है, इट इज़ डिफाइंड एज द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ रिजल्टिंग ड्यू टू 1 सेंटीमीटर ऑफ इफेक्टिव रेन अप्लाइड यूनिफॉर्मली एट अ यूनिफॉर्म रेट से उसको अप्लाई करेंगे और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पूरे कैचमेंट के ऊपर 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल को। और इससे जो हमारा ग्राफ बनेगा, हाइड्रोग्राफ बनेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट हाइड्रोग्राफ कहते हैं। ठीक है, इसको हम डिनोट किस तरीके से करते हैं, देखो नॉर्मली हम बात करें तो इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं कि DR। ओके, DR का एक्स सेंटीमीटर DRH, इस तरीके से डिनोट करने का ये मेथड, ये जनरल मेथड है। ओके, सबसे जनरल मेथड है ये, DR एक्स सेंटीमीटर DRH, मतलब DR में एक सेंटीमीटर की रेनफॉल हुई, इफेक्टिव रेनफॉल हुई, उसका बना हुआ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है। अगर हम यूनिट हाइड्रोग्राफ की बात करें, ये तो जनरल बात हो गई है ना, अगर हम यूनिट हाइड्रोग्राफ की बात करें तो उसको किस तरीके से लिखते हैं, ये लिखना ही इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से लिखेंगे, DR 1 सेंटीमीटर DRH, कि DR में 1 सेंटीमीटर की इफेक्टिव रेनफॉल हुई, उसका डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बना हुआ है। अब ये जो ये पूरी फुल फॉर्म लिख रखी है ना, इसी को थोड़ा अलग तरीके से हम क्या लिख देते हैं, चीज़ वही है लेकिन यूनिट हाइड्रोग्राफ के केस में कुछ स्पेशल तरीके से लिख देते हैं इस वाली चीज़ को। वो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे DR UH, मतलब DR यूनिट हाइड्रोग्राफ, क्योंकि 1 सेंटीमीटर है ना, तो इसको फिर कंप्लीट को इस वाले टर्म को क्या लिख देते हैं, DR यूनिट हाइड्रोग्राफ लिख देते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है DR यूनिट हाइड्रोग्राफ। इस तरीके से हम क्या करते हैं, यूनिट हाइड्रोग्राफ को शो करते हैं। इसी को आप DR 1 सेंटीमीटर DRH इस तरीके से भी लिख सकते हो।
ठीक है, ये लिखना इंपॉर्टेंट है, ये लिखना अगर आप सीख गए तो हाइड्रोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इजीली ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे वो, और जो हार्ड क्वेश्चन है वो भी आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी हम अजम्पशन देखेंगे तो उससे आपको और आइडिया लगेगा। एक एक करके हम सारे अजम्पशन देखते हैं, चार अजम्पशन है इसके अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। फर्स्ट जो अजम्पशन है वो क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज कॉन्स्टेंट, जो भी आपकी रेनफॉल हो रही है उसकी इंटेंसिटी कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। ओके, सेकेंड अजम्पशन क्या है, रेनफॉल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द कैचमेंट, जिस भी कैचमेंट के ऊपर आपकी रेनफॉल हो रही है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं पर ज़्यादा हो रही है कहीं पर कम हो रही है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, ये हमारा सेकेंड अजम्पशन हो गया। थर्ड अजम्पशन की अगर हम बात करें तो वो लिखा हुआ है टाइम इन वेरियंस। टाइम इन वेरियंस का मतलब क्या है, आप किसी भी, आपकी रेनफॉल हो रही है, ओके, आपकी रेनफॉल किसी कैचमेंट के ऊपर हो रही है, आप अभी के एक घंटे के लिए आप उसका हाइड्रोग्राफ बनाओ, या फिर उसके अगले किसी एक घंटे के लिए हाइड्रोग्राफ बनाओ, या फिर तीन घंटे बाद में किसी एक घंटे के लिए हाइड्रोग्राफ बनाओ, तीनों टाइम के लिए आपका जो हाइड्रोग्राफ होगा वो सेम होगा, अलग अलग नहीं होगा, इसी को बोलते हैं टाइम इनवेरियंस। लैंग्वेज में लिखा हुआ है द DRS ड्यू टू अ गिवन इफेक्टिव रेनफॉल इज ऑलवेज सेम इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हेन इट इज अकर, वो कब अकर कर रही है, कब आपकी रेनफॉल हो रही है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता आपका शेप ऑफ DRS, डायरेक्ट टर्न ऑफ हाइड्रोग्राफ, ये अजम्पशन नंबर थर्ड के रहा है। अजम्पशन नंबर फोर्थ की अगर हम बात करें तो वो है लीनियर रेस्पॉन्स। फोर्थ अजम्पशन क्या है, लीनियर रेस्पॉन्स, इसको आप किस तरीके से समझोगे, देखो इसको नॉर्मल तरीके पहले समझ लेते हैं फिर उसको लिख देंगे। इसको किस तरीके समझेंगे, ये जो हमारा हाइड्रोग्राफ बना हुआ है, मान लो कि हमारा ये यूनिट हाइड्रोग्राफ बन गया पहला, ओके, और इसको हमने किस तरीके से लिख दिया, डी आवर UH, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डी आवर 1 सेंटीमीटर DRH, इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आप डी आवर है ना एक्स सेंटीमीटर DRH का ग्राफ बनाओ इस वाले ग्राफ से, तो आपको क्या करना है, सिंपल 1 सेंटीमीटर का है ना आपके पास, और आपको अब कितना बनाना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर का बनाना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, इसको x से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका ये जो पहले ग्राफ बना हुआ था, इस ग्राफ के हर एक ऑर्डिनेट में आपके पास ऑर्डिनेट रहते हैं, जब क्वेश्चन करोगे तो आपको पता लग जाएगा, जब आपको आइडिया लगेगा। अभी आप इतना करो कि इसके जितने भी ऑर्डिनेट रहेंगे सब ऑर्डिनेट को आप अगर x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास एक नया ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा, और वो ग्राफ किसका हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, और वो ग्राफ किसका हो जाएगा, एक्स, वो डी आवर एक्स सेंटीमीटर DRH का हो जाएगा वो, ठीक है। अगर मान लो कि आपके पास इस तरीके का कोई ग्राफ है, इस तरीके का आपके पास कोई ग्राफ है, अब आपके पास ये जो ग्राफ है ना ये यूनिट हाइड्रोग्राफ नहीं है, आपके पास कैसा ग्राफ है, ये डी आवर एक्स सेंटीमीटर DRH का ग्राफ है, और मैं आपको बोलूं कि आप क्या करो, इस ग्राफ से डी आवर वाई सेंटीमीटर DRH बनाओ, आप ऐसे में बोल दो, आपको कौन से ग्राफ से, इस ग्राफ से डी आवर एक्स सेंटीमीटर DRH से डी आवर वाई सेंटीमीटर DRH का ग्राफ बनाओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इसमें तो शॉर्ट तरीके से लिख रखा है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे करना पड़ेगा कि ये जो ग्राफ दे रखा है ना इसको पहले आप क्या करो, यूनिट हाइड्रोग्राफ में कन्वर्ट करो। तो इसको यूनिट हाइड्रोग्राफ में कन्वर्ट कैसे करोगे, अगर आप इसमें एक्स से डिवाइड कर दो, अगर आप इसमें x से डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या बन जाएगा, डी आवर 1 सेंटीमीटर DRH बन जाएगा क्या, बिल्कुल बन जाएगा, अगर आप इसमें x से डिवाइड कर दो, तो x से डिवाइड करोगे ना तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, इस तरीके से बनेगा नीचे, क्यों, क्योंकि आपने इसमें इस वाले में x का डिवाइड कर दिया, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, ये जो अब आपके पास ये वाला बन गया ना यूनिट हाइड्रोग्राफ, ये जो बना यूनिट हाइड्रोग्राफ ये रेड वाला है, ठीक है, अब आपको बनाना क्या है फाइनली डी आवर वाई सेंटीमीटर DRH, तो इसमें क्या करोगे, अब वाई से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आप ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, डी आवर वाई सेंटीमीटर DRH बन जाएगा आपका, 1 सेंटीमीटर से वाई सेंटीमीटर जाना है तो वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपने क्या किया, इस वाले से जाने के लिए पहले आपने एक्स का डिवाइड किया और फिर वाई से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर देखो शॉर्ट फॉर्म में सीधा ही लिख रखा है, और मैंने आपको इसको अच्छे तरीके से समझा दिया कि किस तरीके से ये होता है। तो इस तरीके से चार अजम्पशन है इसके, यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है ये आपको पता लग गया, बस ये ध्यान रखना कि जो भी हाइड्रोग्राफ हम बनाते हैं ना ये हमेशा आउटलेट के ऊपर बनाते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी आप
हेल्प कर सकते हो तो इतना कर दो कि आप इस वीडियो को लाइक करो और वीडियो और चैनल दोनों को शेयर किया कीजिए, जिससे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और व्यूज़ भी अच्छे आएंगे। इतनी हेल्प कर दीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नई चीज़ के साथ मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।